रहनुमा में शामिल शरीफ फैमिली के नाम ECL में डालने की सिफारिश। नैब जराए के मुताबिक नैब लाहौर की नैब हेडक्वार्टर्स को नवाज शरीफ हसन हुसैन नवाज के नाम ECL में डालने की सिफारिश, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की गई है। नैब हेडक्वार्टर्स एहतसाब ब्यूरो लाहौर की दरखास्त पर गौर करेगा। नैब हेडक्वार्टर दरखास्त पर गौर करके वजारत दाखिला को अरसाल करेगा। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और आपको बताते चले कि पैनमा पेपर्स में शरीफ फैमिली का नाम है और शरीफ खानदान के नाम ECL में डालने की सिफारिश। नैब लाहौर की नैब हेडक्वार्टर्स को नवाज शरीफ हसन हुसैन नवाज, मरियम नवाज और उनके हस्बैंड कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई है। नैब जराए के मुताबिक नैब हेडक्वार्टर्स एहतसाब ब्यूरो लाहौर की दरखास्त पर गौर करेगा। नैब हेडक्वार्टर्स दरखास्त पर गौर करके वजारत दाखिला को अरसाल करेगा। एक बार फिर से आपको आगाह करते चलें, पैनमा में शामिल शरीफ फैमिली के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई है। नैब लाहौर की नैब हेडक्वार्टर्स को नवाज शरीफ हसन हुसैन नवाज के नाम ECL में डालने की सिफारिश, जबकि जराए के मुताबिक मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की जा चुकी है। नैब हेडक्वार्टर एहतसाब ब्यूरो लाहौर की दरखास्त पर गौर करेगा। जराए के मुताबिक नैब हेडक्वार्टर दरखास्त पर गौर करके वजारत दाखिला को अरसाल करेगा। इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का नाम भी ECL में शामिल करने की इस्तेदा की जा चुकी है और अपडेट ये है कि पैनमा में शामिल शरीफ फैमिली के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई है। नैब ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ हसन नवाज हुसैन नवाज के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई है, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की गई है।